हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बेटा बेटा आज हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंपनी ऑडिटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है बेटा, जो हमने पहले लिमिटेड कंपनी की ऑडिट है जो कवर की है, उससे सारा रिलेटेड टॉपिक ही है। ऑलमोस्ट हमने उसमें कवर कर रखा है, जो टॉपिक रहते हैं वो मैं इसमें से कवर करा रही हूँ, और बाकी टॉपिक्स जो हैं उनके लिए आप मेरी पिछली वीडियो है जो इसको देख सकते हो। तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑडिटर्स जो हैं कवर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको कवर करती हैं। ऑल दो दे आर द यंगेस्ट प्रोफेशन है जो हमारा ऑडिटिंग का सबसे बाद में आया है प्रोफेशन, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सबसे बड़ी है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, तो जिन्होंने भी कोई फंड्स हैं जो किसी को देने हैं, तो वो सारे किसकी रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं? ऑडिटर की रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है ऑडिटिंग की। एज ऑडिट इज़ कंपल्सरी इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। तो ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल क्या है इन्वेस्टर्स के पास, कि ऑडिटिंग है जो उसकी करवाई जाए। तो इसलिए ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ऑडिटर कौन बन सकता है, ये हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। कंपनी ऑडिटर कौन हो सकता है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ओनली ए पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर 1949 के अंडर, वही बंदा कंपनी ऑडिटर बन सकता है। ए पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, बट पावर टू साइन जो है सिर्फ किसके पास होगी? जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है जो ऑडिटर बन सकती है, लेकिन उसमें जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसी के पास अथॉरिटी है कि वो ऑडिटिंग रिपोर्ट को साइन कर सके। उसके बाद है पर्सन्स नॉट एलिजिबल, कौन कौन से हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते? एक कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती, एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी नहीं हो सकता, एनी पार्टनर जो कंपनी का है वो नहीं हो सकता ऑडिटर, अ पर्सन और इज पार्टनर हु होल्ड सिक्योरिटीज कंपनी में या कंपनी की सब्सिडरीज में अगर उसने सिक्योरिटीज होल्ड की हुई हैं तो भी नहीं हो सकता, अ पर्सन जो रिलेटिव है सिक्योरिटी और जिसकी जो रिलेटिव है और उसकी 1,00,000 फेस वैल्यू से ज़्यादा की अगर सिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी नहीं हो सकता, एनी पर्सन हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ है वो भी नहीं हो सकता ऑडिटर, एनी पर्सन हुज रिलेटिव है जो की मैनेजेरियल पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में है, वो भी ऑडिटर का काम नहीं कर सकता उस कंपनी के लिए, ए पर्सन हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, कहीं पर एम्प्लॉयड है, वो भी बंदा नहीं कर सकता, मतलब वो प्रैक्टिस ही करता हो सिर्फ सीए की अपनी, एनी पर्सन हु इज़ ऑलरेडी ऑडिटर ऑफ 20 कंपनीज वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि 20 की लिमिट है जो अब हो चुकी है, ये हम पढ़ चुके हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट इलैप्स सिंस एंड कन्विक्शन, अगर उसको कोर्ट ने कोई सज़ा दी थी और उसको अभी 10 साल पूरे नहीं है उस सज़ा को हुए, तो भी वो बंदा जो है एज अ ऑडिटर काम नहीं कर सकता। एनी पर्सन हुज एसोसिएट इज इंगेज इन कंसल्टेशन, उसके उससे एसोसिएटेड कोई बंदा कंसल्टेशन सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है तो भी वो बंदा एज ए ऑडिटर काम नहीं कर सकता। तो ये थी कौन कौन से बंदे एलिजिबल नहीं हैं ऑडिटर बनने के लिए। उसके बाद है मैक्सिमम लिमिट ऑन ऑडिट जो है वो कितनी की गई है? 20। एट एनी टाइम ए पर्सन कैन नॉट ऑडिट मोर देन 20 कंपनीज, इंक्लूडिंग पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी हो, पर 20 से ज़्यादा कंपनीज की ऑडिटिंग एक पर्सन एट ए टाइम नहीं कर सकता। उसके बाद है आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में दिया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में क्या है कि ऑडिटर को कब हमको अपॉइंटमेंट की जा सकती है? एक तो है ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑडिट इज़ नॉट कंपल्सरी, जहाँ कंपल्सरी नहीं है वो है हमारी सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल फर्म्स एंड हमारी जो पार्टनरशिप फर्म्स है वहाँ पे ऑडिटिंग कंपल्सरी नहीं है। दूसरी हमारी है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कंपल्सरी है वो है हमारी कंपनी फॉर्म, ठीक है जी। तो कंपनी ऑडिटर्स की हम बात कर रही हैं, तो अपॉइंटमेंट कैसे कैसे हो सकती है ये हमारा पिछले चैप्टर में डिस्कस हो गया है। वैसे कंपनी ऑडिटर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, कौन से ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं? एक तो हमारे जो फर्स्ट ऑडिटर्स हैं उनको कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट होता है, और सेकंड अगर कोई कैजुअल वैकेंसी एकदम से निकल आती है, मान लो डेथ होगी बंदे की या किसी तरीके से एकदम से रिजाइन देके बंदा चला गया, तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो भर सकते हैं। लेकिन कंपनी ऑडिटर को
जो है बाय कंपलसरी रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर को भर सकते हैं, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता है, बाय एनुअल जर्नल मीटिंग करके है जो वो कंपनी ऑडिटर को रखा जा सकता है। तीसरा तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रख सकती है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो अपॉइंटमेंट है कंपनी ऑडिटर की जाती है। इसके बाद आपके पास है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय सोल प्रोप्राइटर एंड बाय फर्म। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय सोल प्रोप्राइटर एंड बाय फर्म है जो वो कैसी हो सकती है। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर के लिए तो कंपलसरी नहीं है, फर्म के लिए भी कंपलसरी नहीं है ऑडिटर। कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है सोल प्रोप्राइटर के, प्रोविजंस कुछ हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, डिपेंड्स अपॉन स्टैचुरी प्रोविजंस पे डिपेंड करता है सोल प्रोप्राइटर के केस में ऑडिटरशिप, एंड फर्म के केस में डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। राइट्स, ड्यूटीज एंड रेमोरेशन ऑफ ऑडिटर आर बेस्ड ऑन देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। राइट्स, ड्यूटी, रेमोरेशन जो है पार्टनर्स के डिसीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन्फॉर्म। ये सारा पीछे कवर हो गया है जो हमने किया था कि इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है ऑडिटर के पास राइट है, रेमोरेशन रिसीव करने का राइट है, बुक्स को असेस करने का राइट है और साइन करने का राइट है। इसी तरह से सोल प्रोप्राइटर और फर्म के केस में ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी, ड्यूटी को डिलीजेंसी से काम करना है, ड्यू टू सेटिस्फाई करना है अपने आप को सारे रिकॉर्ड से, सुजेशंस दे सकता है वो, एंड टू सबमिट रिपोर्ट है जो उसने सबमिट करवानी है। तो सेम ड्यूटीज़ हैं जो की हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बाय ए कंपनी, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना है 15 दिन में, अपॉइंटमेंट जब कर लिया कंपनी के ऑडिटर को उसके 15 डेज के बीच बीच में उसने जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसको कंपनी ने इन्फॉर्म करना होता है। तो इसमें अलग अलग दे रखा है, फर्स्ट ऑडिटर्स कैसे करती हैं, सेकंड ऑडिटर्स कंपनी के हैं, कैजुअल वैकेंसीज हैं उनको कैसे भरा जा सकता है, ये सारा टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है बेटा, तो उसमें है। उसके बाद आपके पास है ऑडिटर की रेमोरेशन है जो वो क्या होती है। तो ऑडिटर की रेमोरेशन है जो फिक्स की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, अगर उसने फर्स्ट ऑडिटर की हम बात करें, और अगर बाकी ऑडिटर्स की बात करें तो एनुअल जर्नल जो मीटिंग होती है उसमें डिसाइड की जाती है। तो ये सारा रेमोरेशन का टॉपिक भी पिछले चैप्टर में कवर हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जा सकता है ये भी हमने सेक्शन 140 पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑडिटर को है जो वो एजीएम के थ्रू, रिमूवल ऑफ अदर ऑडिटर भी एजीएम में वोटिंग के थ्रू हो सकता है, ट्रिब्यूनल के थ्रू अगर उसके खिलाफ कंप्लेन जाए तब भी हो सकता है, और ऑडिटर जो है खुद से रिजाइन भी कर सकता है। तो ये सारे केस भी हमारे रिमूवल ऑफ ऑडिटर के डिस्कस हो गए थे। रेमेडीज अवेलेबल टू ऑडिटर्स जो हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ हैं, दैट इज़ कि वो राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, राइट टू इन्फॉर्म है, राइट टू साइन है, वही वाले। तो राइट्स ऑफ कंपनी है, ऑडिटर है जो उसको एक्सप्लेन किया है कि वो, ये सारे पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल हमने कर ली है, दैट इज़ कि वो बुक्स है जो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है, वेरियस जो ब्रांचेज हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकता है और रिपोर्ट को साइन कर सकता है, ठीक है, ओपिनियन किसी एक्सपर्ट का लेना है वो ले सकता है। तो ये सारी राइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम तरीके से आपके पास ड्यूटीज़ दे रखी हैं एक कंपनी ऑडिटर की, तो ड्यूटीज़ को ना इसने डिवाइड किया है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो हैं ICAI के अंडर, तो क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, कंपनी एक्ट के अंडर क्या ड्यूटीज़ हैं उसको एक्सप्लेन किया है। तो ड्यूटीज़ अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट में ना सिर्फ दे रखी हैं, एक तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता अपने बिजनेस के लिए ऑडिटर, सेकेंड नो कमीशन है उसको पे नहीं कर सकता किसी को कि मेरे को बिजनेस दिलवा दू ऑडिटिंग का, और थर्ड टू नो द रीज़न वाई प्रीवियस ऑडिटर है जो वो क्यों हटाया गया है उसको पता करना उसको बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें ड्यूटीज़ हैं जो वो इसमें मेन दी गई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में। उसके बाद आपके पास ड्यूटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट 2013 दी गई हैं, दैट इज़ ये सारी हम पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मेंबर्स को रिपोर्ट करना कि ट्रू फेयर पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो सारे आप पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हो।
ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ कुछ दी गई हैं बेटा, दैट इज हमने मतलब तीन तरह से डिवाइड किए हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर क्या दी गई हैं, दूसरी कंपनीज एक्ट के अंडर राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, थर्ड ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ क्या हैं। ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ क्या है कि उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स की हो ये देखना उसने, और दूसरा डिलीजेंट अपनी जो ईमानदारी और उससे जो अपनी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना। तो ये दो जो ड्यूटीज हैं अंडर कॉमन लॉ हैं। तो ये थे राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसको हम पूरे पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से कर चुके हैं, उसके लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा बेटा एक बार दोबारा से, सेम सारी ड्यूटीज़ और राइट्स हैं। इसके बाद एक आपके पास है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स, जो ऑडिटर है उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो लायबिलिटी है कि ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, कि उसने जो है अपना काम किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल है। अगर वो किसी रिपोर्ट पे साइन करता है तो कोई बंदे उस पे विश्वास करके कोई डिसीजन ले लेते हैं और उनको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जो है उनको डैमनीफाई करना पड़ेगा ऑडिटर के द्वारा। तो ये उसकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पर दे रखी हैं। तो कंपनी जो ऑडिटर है उसकी लायबिलिटीज़ को उसने वन बाय वन डिस्कस किया है, तीन तरह की लायबिलिटीज़, चार तरह की लायबिलिटीज़ उसने किया है। लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर है एक कंपनी ऑडिटर की, एक प्राइवेट कंसर्न की। तो हम बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिटर की, सिविल लायबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं, क्रिमिनल लायबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं, टूवर्ड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, और लायबिलिटीज़ फॉर मिसकंडक्ट हो सकती हैं। तो सिविल लायबिलिटीज़ क्या हैं, फॉर नेग्लिजेंस के लिए, अगर वो केयरफुली काम नहीं करता, अनगेली बरतता है, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, तो उस केस में उसके पास नेग्लिजेंस के कारण जो है उसने किया है, तो उसमें उसकी सिविल लायबिलिटी है जो बनती है। सेकेंड है फॉर मिसफिनेंस, मिसफिनेंस है इट इज़ एक्ट ऑफ इम्प्रॉपरली डूइंग लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल तरीके से उसने किया है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो उसने समथिंग गलत किया है कुछ कंपनी के लिए, तो उसको मिसफिनेंस लायबिलिटी बोला जाएगा। तो ये उसका सिविल एक्ट लायबिलिटी बनेगी, तो जो लॉस क्लाइंट को हुआ है उसको वो पे करना पड़ेगा। थर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, कि ही कैन हैव एस्केप हिज लायबिलिटी, जो लायबिलिटीज़ उसकी है कि अगर उसने कुछ स्टेट किया है कि कुछ शेयर हैं, डिवेंचर हैं कंपनी के, उसके बंदे ने किसी इन्वेस्टर ने परचेज कर लिए हैं उसकी रिपोर्ट पे विश्वास करके, तो उस केस में जो हमारा ऑडिटर है वो लायबल है। वो बच सकता है कैसे, ही हैज़ विदड्रॉन हिज कंसेंट, मान लो उसने प्रॉस्पेक्ट जो जिसमें उसकी कंसेंट लिखी गई थी उसने अपनी कंसेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स के पहले, प्रॉस्पेक्ट के पहले अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, और दूसरा पब्लिक नोटिस उसने दे दिया था कि अनट्रू है जो किसी चीज़ में उसमें प्रॉस्पेक्ट में कोई बात लिखी हुई, और थर्ड उसने रीजनेबल ग्राउंड पे बिलीव करके उसको भी लगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए उसने उसके सिग्नेचर किए थे। तो इन तीन केसेस में वो बच सकता है, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी बनेगी। ये थी कि एक ऑडिटर की सिविल लायबिलिटीज़ क्या हैं। इसके बाद बेटा आपके पास हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज़ क्या हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कुछ क्रिमिनल लायबिलिटीज़ उसकी बनती हैं। एक दे रखी है अंडर सेक्शन 147(2) के अंडर, इफ़ ऑडिटर इज़ फाइंड हैव विलफुली जान बूझ के वो प्रोविजंस को तोड़ता है तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और एंड एक्सटेंड टू 1 ईयर, 10 डेज से लेके 1 ईयर तक की जो है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन जो है उसको वो 1,00,000 रुपये से लेके 25,00,000 रुपये तक का फाइन है जो उसको पे करना पड़ सकता है अगर इन प्रोविजंस को वो डिलीफुली तोड़ता है। अदरवाइज जो फाइन है वो 25,000 से 5,00,000 की रेंज का है। अंडर सेक्शन 147(3) के अंडर, इफ एन ऑडिटर हैज एक्टेड इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द कंपनीज शेयर होल्डर को डिफ्रॉड करने के लिए कुछ करता है, ही शैल बी हेल्ड लायबल टू रिफंड एनी रेमोनरेशन, अगर उसने रिसीव की है तो उसको वो वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 145 के अंडर, इन केस ऑडिटर इज अ पार्टनरशिप फर्म देन इन केस ऑफ फ्रॉड बाय द फर्म पार्टनर्स विल बी लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली, अकेला अकेला पार्टनर भी और ज्वाइंटली भी पार्टनर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट एनी सच मैटर, अगर इससे रिलेटेड कोई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं इन्फॉर्म करता इसको कोई एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, तो मॉरल ड्यूटी उसकी बनती थी, उसको नहीं पूरा किया तो उसको फाइन 1,00,000 रुपये से लेके 25,00,000 रुपये तक का फाइन ऑडिटर को पड़ सकता है।
सेकंड है अंडर इंडियन पिनल कोड उसको क्या क्या फाइन है जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर हो सकता है। फॉर इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट अगर कोई वो इशू करता है उसके लिए पुनिशेबल है। सेकंड फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अगर कोई रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए वो गिल्टी है, उसको हेरा फेरी करने में रिकॉर्ड में कोई हेल्प करता है तो उस केस में भी उसको अंडर इंडियन पिनल कोड है जो पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कुछ उसकियाँ हो सकती हैं क्रिमिनल लाइबिलिटीज, फोर्सिंग टू फाइल फॉल्स रिटर्न जो है उसको रजिस्टर करने के लिए ऑडिटर है जो वो फोर्स करता है जो उनको हेल्प करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि और फाइन हो सकता है और 6 महीने तक की उसको जेल है जो हो सकती है। फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू टैक्स प्रोसीडिंग, टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ गलती है जो जानबूझ के हेरा फेरी करवाता है तो उसको डिसक्वालीफाइड किया जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ सच डिसक्वालिफिकेशन विल बी असर्टन बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है जो वो डिसक्वालीफाई कर सकता है उस असेसी को। नेक्स्ट है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो भरवाता है उसमें हेल्प करता है तो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फॉल्स शैल बी लाइबल टू रिजियस इम्प्रिजनमेंट एंड मोनिट्री पनिशमेंट है जो मिल सकती है। इन सभी केसेस में सजा भी हो सकती है और फाइन है जो वो भी हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी सिविल लाइबिलिटीज़ और उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। कुछ लाइबिलिटीज़ थर्ड पार्टीज़ के प्रति उन्होंने दी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स थिंक दैट ऑडिटर्स मे बी हेल्ड लाइबल इन सम केसेस टू थर्ड पार्टीज इन लिमिटेड सेंस, ठीक है जी। लेकिन जो इंडिया में है उसमें जो हमारा ऑडिटर है वो नेग्लिजेंस के लिए अगर सामने वाली पार्टी कोई लॉस अकर करती है उसको होता है कोई लॉस तो उसके लिए ऑडिटर जो है वो लाइबल है। बट इन सम केसेस एन ऑडिटर शुड नॉट बी हेल्ड लाइबल टू थर्ड पार्टीज एट ही इज़ नॉट अपॉइंटेड बाई द थर्ड पार्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द ऑडिटर एंड द कंपनी ओनली। तो कई केसेस में ये है। ये एक केस हुआ था कैंडलर वर्सेज कोन और कस्टमर एंड कंपनी के बीच में। द ऑडिटर ओन्स नो ड्यूटी ऑफ केयर टू एनी बॉडी बट हिज क्लाइंट एंड ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस सफर्ड बाई थर्ड पार्टीज थ्रू रिलायंस ऑन द अकाउंट्स विच हैव बीन ऑडिटेड बाई हिम। तो ये इसमें प्रूव हुआ था। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑडिटर इज प्रिस्क्राइब फॉर द स्मूथ वर्किंग अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ही विल बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी मिसकंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। अगर ही फेल्ड टू डिस्क्लोज मटीरियल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोज नहीं करता तो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसने सही नहीं किया, इसका मतलब ही फेल्स टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट है उसने जो दी है। ही वॉज निगलेक्ट वाइल परफॉर्मिंग इस ड्यूटी में, नेग्लिजेंस बरती है उसने। ही फील्स टू ड्रॉ एनी अटेंशन टूवर्ड मटीरियल, कोई डिस्प्यूट है डिपार्टमेंट में हो रही हैं चेंजेस तो उसके बारे में उसने उसका ध्यान नहीं दिलवाया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्टर में से मिसकंडक्ट के लिए 5 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए उसको जो है रजिस्टर से नाम काटा जा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के रजिस्टर में से, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद थी एक लाइबिलिटीज़, ये थी हमारी लिमिटेड कंपनी के केस में। एक लाइबिलिटीज़ हैं कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंसर्न, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप देर इज़ नो कंपल्शन टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। सो ऑफ एक ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसकी एक्सटेंड जो है वो राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं वो उनके बीच में क्लाइंट और उसके ऑडिटर के बीच में जो डिसाइड हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे बेटा आपके सारे कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ एक ऑडिटर की बनती हैं। उसके बाद एक आपको ना CARO रूल्स 2016 दे रखे हैं, पहले 2015 के रूल अप्लाई होते थे फिर 2016 में अमेंडमेंट्स के बाद आए हैं तो उसके में जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो इसको आपको वन बाय वन करने की नहीं है ज़रूरत। इसमें आपके पास ये एक चार्ट है यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे 2015 में क्या था और 2016 में क्या है। तो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड सेम रूल फॉलो हो रहे हैं जो कंपनीज ऑडिटर रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है उसके बारे में एंड फिक्स एसेट्स के
रिटेन्ड विद सम चेंजेस, सेम थोड़ी चेंजेस करके रख लिए गए हैं, सेम इन्वेंट्री के केस में रिटेन कर लिए गए हैं, लोन्स टू रिलेटेड पार्टी के केस में सेम थोड़ा चेंजेस करके रिटेन कर लिए गए हैं, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल के का पॉइंट डिलीट कर दिया गया है, लोन गारंटी ऐड कर दी गई है, डिपॉजिट का सेम रिटेन है, कॉस्ट रिकॉर्ड का सेम रिटेन है। तो इस तरीके से दिए गए हैं कौन कौन से नए ऐड किए गए हैं जो कंपनीज ऑडिटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, और उसमें क्या क्या पहले वाले में चेंजेस की गई हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आपका है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें चेंज किया गया है, जो कौन कौन सी ऐड की गई हैं, तो इसकी लिस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। तो ये था आपका कि कंपनी ऑडिटर के केस में क्या रेमोरेशन है, क्या उसकी राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। बेटा सेम पिछले वाला चैप्टर मिलता जुलता है, तो उसको वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लेंगे तो सारी आपकी रिवाइज हो जाएंगी। एक लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपने इस चैप्टर में कवर करनी है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।